रश्मि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। नमस्ते सर। वो सर मेरे ना दो सवाल हैं। सवाल ये है कि ना मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो आपने कहा था कि उसको वो देना है, दवाई बताई थी एक, वो दे रही हूँ सर मैं, तो वो दवाई दे रही हूँ, तो उसके साथ आप कहते हो कि कोई भी सिरका ले सकते हो जैसे कि दूसरे पार्ट को नुकसान ना करे, तो मैं कलौंजी का सिरका दे रही हूँ सर उनको। तो कलौंजी का सिरका खट्टा बहुत होता है सर, तो खट्टा होता है तो उसमें उनको नजला भी रहता है, तो नजले में दे सकते हैं उनको कलौंजी का सिरका, ये सवाल है मेरा। ठीक और है। दूसरा सवाल ये है कि मेरी जो मासी की बेटी है, मासी की बेटी है, उसको ये प्रॉब्लम है कि नसों की प्रॉब्लम है, और उसके थक्के थक्के से जम गए हैं उसके टांगों में, ये प्रॉब्लम दर्द है उनको, और द्वारा आपका वो गोंसिया ले रही है, तो उनको थक्के थक्के जम गया, तो उस थक्के की कोई दवाई बताओ सर, या कोई कैसे पिघलेंगे वो थक्के टांगों में, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता अच्छे से उनका, और ये प्रॉब्लम, और उनको एसिडिटी मोस्टली बनी रहती है, और वो जतन का नमक ले रही है, उससे फर्क रहता है पर इतना फर्क नहीं होता सर उनको, ये सवाल है सर मेरा। ठीक है थैंक यू मैम। सर। और दवाएं तो दोनों बहुत अच्छी ले ही रहे हैं वो, और फर्क भी पड़ता है। तो जैतून का नमक ले, दो दो चुटकी, 2 बार या 3 बार पानी मिलाकर। और गौंसिया भी वो ले रहे हैं, थोड़ा संयम रखें, धीरे धीरे उनको फायदा होगा। बस ये 2-3 बातें याद रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, और वज़न और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। वज़न भी नहीं उठाएं और झाड़ू पोंछा भी ना करें। और क्या सवाल था? डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कलौंजी का सिरका, खट्टा, नज़ला भी है। हाँ, खट्टे चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं कर सकते जिनको नज़ला रहता है, तो उसकी जगह आप डायबिटीज़ की के लिए वो दे सकते हैं। गौंद जामुन, एक एक चुटकी 2 बार गौंद जामुन देंगे तो ये दुनिया की तेज़ असर दवा है। गौंद जामुन दिन में 2 बार दीजिए और फ़ायदा उठाइए।